हेलो ब्यूटीफुल पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बोलने वाले हैं साइप्रस में जॉब्स एंड उनकी सैलरी, मतलब किस तरह की जॉब्स होती हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। सो गाइस, मैंने जो है ना अभी अपने नोट्स में वो नोट कर लिया है कि यहाँ पे जॉब्स किस तरह की होती हैं, किस टाइप की होती हैं और उनकी जो है ना सैलरी कितनी होती है, और सैलरी पर आवर होती है तो, और मंथली हर चीज़ कितनी होती है। सो अभी मैंने 8 जॉब्स लिखी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स जॉब्स की। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट जॉब्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, मतलब यहाँ पे कोई बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करने। उसमें क्या है, जब आप स्टार्टिंग में होते हो तो आपकी इनकम जो है 25 यूरो से स्टार्ट होती है, और जब आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है तो सैलरी में जो है ना इंक्रीज़ आ जाती है, आपकी सैलरी जो है ना मतलब इम्प्रूव आ जाती है, ज़्यादा होती जाती है। तो 25 यूरो से वो स्टार्ट होती है, 50 यूरो तक हो जाती है, मतलब एक डेढ़ साल में 50 यूरो तक आपकी हो जाती है कंस्ट्रक्शन साइट्स की जॉब्स की। वो क्या होता है, उसमें थोड़ा हार्ड काम भी होता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम होता है। वो सबके लिए तो नहीं होता, जो मतलब करना चाहिए वो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही करते हैं कंस्ट्रक्शन का जॉब्स। उसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स की बिल्डिंग भी होती है, या मार्बल जो टाइल्स होती है उसकी फिटिंग की भी होती है, और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट का हार्ड वर्क होता है वही होता है। कभी कभी तो थर्ड फ्लोर होता है, लोग सीमेंट के कट्टे अपने कंधों पे लेके जाके रख के ऊपर ले जाते हैं 3-3 फ्लोर पे, क्योंकि लिफ्ट तो होती नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं, तो बहुत ही हार्ड काम होता है। तो इसकी इनकम 25 यूरो से शुरू होती है और 50 यूरो तक होती है। एक्सपीरियंस के साथ आपकी इनकम जो है ना ज़्यादा जनरेट होती जाती है। तो और इसकी जो जो इसकी सैलरी मिलती है वो पर वीक के मिलती है, हर वीक की एंड में, मतलब फ्राइडे को इसकी सैलरी मिल जाती है, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन काम होते हैं। और दूसरा है वेल्डिंग की जॉब। वेल्डिंग मतलब ये जैसे लोहा देख रहे हैं ना आप, इसको वेल्ड करने की जॉब। इसकी जो वेल्डिंग की जॉब है, इसमें हार्ड चीज़ ये है कि जब वो आयरन लोहा जब कंटेनर में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, उसको उठाना करना ये बहुत हैवी हो जाता है। और इसमें वेल्डिंग की जो इनकम है आपकी 40 यूरो से 50 यूरो के बीच में होगी, और ये भी एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। ज़रूर बिल्कुल आपको ये जॉब तभी मिलेगी अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है तभी लोग आपको यहाँ पे जॉब देंगे इसके बारे में, वरना आपको इस जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी इनकम 40 यूरो से 50 यूरो के बीच में होगी। और इसमें हाथ जलने का भी बहुत सिस्टम है, क्योंकि मेरी एक जान पहचान वाला वेल्डिंग का काम करता था यहाँ पे, उसके हाथ जो है जले हुए थे क्योंकि आयरन को जब वेल्ड करने के लिए। और इसमें जो है ना आँखों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, बेशक वो आपको एक लेंसेज देते हैं पहनने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ना आँखों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें मतलब बॉडी को जो है ना, इसमें पैसे हैं लेकिन बॉडी को बड़ा नुकसान होता है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, आपका शौक है ये करने का, तो बॉडी के बारे में ज़रूर सोचें। तो और इसकी जो इनकम जो सैलरी मिलती है वो भी पर वीक के हिसाब से मिलती है, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन काम होता है। और अभी आ गया रेस्टोरेंट की जॉब। जो रेस्टोरेंट है उसमें 3 किस्म की जॉब होती है, एक हो गया वेटर, एक हो गया किचन स्टाफ और दूसरा हो गया क्लीनिंग स्टाफ। तो जो अब किचन वाला है उसकी जो सैलरी है 4 यूरो से 5 यूरो के बीच में स्टार्ट है, एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है इसमें भी। और इसमें जो सैलरी मिलती है पर मंथ के हिसाब से मिलती है। इसमें आपका एक मील भी फ्री होता है जिस मील टाइम आप काम करते हो, अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो आपके 2 मील हो जाते हैं। ये ओनर पे भी डिपेंड करता है कि आपका ओनर कितना अच्छा है और आपकी कितनी हेल्प करता है। तो रेस्टोरेंट की जो किचन की जॉब है वो 4 यूरो से स्टार्ट होती है, 5 तक भी जाती है कहीं कहीं, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और ओनर को आपका काम पसंद है, आपकी वजह से उसके पास कस्टमर जनरेट हो रहे हैं, तो आपकी सैलरी 6 यूरो तक भी जा सकती है। और इसकी जो सैलरी आती है वो हर महीने के हिसाब से आती है, ये हफ्ते में 6 दिन काम होता है, वी एक दिन बंद होता है। और अगर आपके पर आवर का हिसाब चल रहा है तो मे बी वो आपको, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 2 छुट्टियाँ दे दे या वीक में, या 1 दे दे, और ये आपके आवर्स पर डिपेंड करता है। तो अभी जो दूसरी चीज़ है वो है वेटर की। वेटर का जॉब यहाँ पे हमें कम ही मिलता है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का मसला है, वेटर के होने के लिए आपको ग्रीक आना लाजमी है।
अगर आपको ग्रीक आती है तभी आपको वेटर की जॉब मिलेगी। वेटर की जॉब की इनकम जो है 5 यूरो है और उसमें प्लस टिप्स हैं, दिन में 10-15 यूरो तो टिप ही बन जाती है वेटर की यहाँ पे। और अगर आपको ग्रीक आती है तो वेटर की जॉब समझो वो ज़बरदस्त है, बिल्कुल इजी जॉब है, कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ना आपको पकाना है ना कुछ, आपको सिर्फ सर्व करना है, ऊपर से टिप्स भी लेनी है। और अभी आते हैं क्लीनिंग की, जो क्लीनिंग वाला होता है उसकी बड़ी फटती है यहाँ पे, क्योंकि जो किचन जो रेस्टोरेंट में क्लीनिंग का होता है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे, और उसको जो है ना बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये होता है कि बार बार उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे उसके ऊपर बहुत काम होता है क्लीनिंग की। लेकिन उसकी जो जो सैलरी है वो तीन रेस्टोरेंट में सबसे लो सैलरी है, मतलब आई थिंक 700 यूरो उसकी इनकम है पर मंथ। और जो किचन स्टाफ होता है वो 800-900 तक ले जाता है, जो वेटर होता है 1000-1100 तक ले जाता है। तो मतलब जो क्लीनर है उसकी सैलरी 700 तक आती है, और सैलरी है हर महीने के हिसाब से। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लीनिंग की जॉब। क्लीनिंग मतलब ऑफिस वगैरह क्लीनिंग की, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको लेती हैं अगर आप क्लीनिंग की जॉब करना चाहें। लाइक जो यहाँ पे क्या है ना कि कंपनीज़ ने बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि भाई हम आपकी बिल्डिंग साफ़ करेंगे वीक में आप अपने, तो इस हिसाब से जो है ना बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे साइप्रस में, ऑफकोर्स आप नो, तो ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है सबसे, तो हर वीक जो है ना ये बिल्डिंग की साफ़ करते हैं, तो इसलिए जो क्लीनिंग कंपनीज है वहाँ पे भी आपकी जॉब हो सकती है, जिसकी इनकम है 4.5 यूरो पर आवर। और ये भी हफ्ते में 5 दिन काम है, कभी कभी 6 दिन भी हो जाता है, तो ओवर टाइम के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो कंपनीज़ हैं और उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो साइप्रस के हैं वो पे करने में भी, वो आपकी सोशल इंश्योरेंस भी पे करें, वो जो ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए। तो उसकी जो है हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन भी हो जाता है कभी कभी, और एक पर डे 8 आवर्स होता है जिसमें 30 मिनट्स ब्रेक होती है आपकी क्लीनिंग की जॉब की, और इसकी भी सैलरी जो है ना पर मंथ आती है। तो अभी चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 जो है वो है फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्लायर से एक किस्म की न्यूज़पेपर जैसा होता है, मैं भी आपको ना बताऊँ मैं पहले बता दूँ कि फ्लायर होता है क्या। फ्लायर एक एडवर्टाइजमेंट पेपर होता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनल्ड्स ने बनाया है कि यार आज वो ऑफ़र दे रहे हैं कि बर्गर पे फ्राइज़ फ्री हैं, तो वो एक फ्लायर बनाते हैं घर के लेटर बॉक्सेस में, यहाँ पे हर घर के बाहर लेटर बॉक्स लगा हुआ है, और उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं ताकि लोगों को पता चले। आई नो कि सोशल मीडिया का दौर है कि हर चीज़ जो है ना चेंज होती जा रही है, तो लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड पीपल हैं वो तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते ना, लेकिन फ्लायर्स जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करता था, इसलिए फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है, 4 यूरो पर आवर है उसके लिए, और उसमें क्या करना पड़ता है आपको 8 घंटे, इसमें ब्रेक नहीं है, आपको खाना भी ड्यूरिंग वॉक इसमें बाय वॉक काम होता है, 8 घंटे आपको चलना पड़ता है कंटिन्यूसली। और इसकी जो इनकम है पर 2 वीक्स की ऐसा 15 दिनों की साथ में आती है, और आपकी 4 यूरो से इनकम शुरू होती है, 4.5-5 तक भी चली जाती है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि आपके पाँव के नीचे चल चल के छाले पड़ जाते हैं, तो अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने शूज़ जो है ना आप थोड़े से बड़े लें और कंफर्टेबल लें, या स्पोर्ट्स शूज़ लें जो आपको वॉकिंग में फ़ायदा दें, आपके पाँव को ख़राब ना करें। और दूसरी चीज़ यह है कि 8 घंटे कंटिन्यूसली आपको वॉक करना पड़ता है, गर्मी होती है तो पसीना आता है, आपको कैप लेनी पड़ती है जो आपको धूप से बचाए, और आपका कलर भी डल हो जाता है। तो ये थी फ्लायर जॉब। अभी जो दूसरी है फूड डिलीवरी जॉब। अब जो फूड डिलीवरी जॉब है वो थोड़ी रिस्की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम वाली भी है साइप्रस में स्टूडेंट्स के लिए। अब जो फूड डिलीवरी है उसके लिए आपके पास बहुत सारी जगहें जो है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बाइक जो है खुद की देती हैं, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जहाँ पर आपकी बाइक चाहिए होती है, तो आपको बाइक लेनी पड़ेगी, किस्तों पर भी यहाँ पर बाइक मिल जाती है, 500 यूरो डाउन पेमेंट होती है और 100 यूरो हर महीने होता है, लेकिन आप 6 महीने के बाद कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए इस जॉब के लिए, और लर्निंग लाइसेंस आपको मिलेगा 6 महीने के बाद। तो मतलब ये जो जॉब है आप 6 महीने के बाद ही कर सकते हैं, और इनकम जो है 4 यूरो से शुरू है, 5 यूरो तक है, और इसमें टिप्स भी बन जाती हैं, 10+ टिप्स बन जाती हैं,
और रेस्टोरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे एक foodie.com वेबसाइट है जो ऑर्डर्स लेती है, जो रेस्टोरेंट से कनेक्टेड है। उस वो क्या है ना, बेसिकली वहाँ से कस्टमर्स आते हैं लेकिन वो पेड होते हैं। जो पेड होते हैं उसमें से टिप्स आपको नहीं मिलती, जो अनपेड होते हैं वो आपको टिप्स दे देते हैं कैश के साथ। तो कभी कभी 10+ भी बन जाती है। कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके 3 यूरो 4 यूरो पर डे की टिप बन जाती है, तो महीने के 150 यूरो हो गए 5 यूरो के हिसाब से। तो ये थी डिलीवरी की जॉब। इसमें रिस्क क्या है, यहाँ पे जो है ना बहुत केयरलेस ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चलाते हैं, बहुत केयरलेस की तरह बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और देखते भी नहीं, बस ठोक देते हैं गाड़ी को। और एक तो ऐसी भी मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी औरत भी देखी कि एक मेरे एक दोस्त को ठोक के बाहर कार से उसको घसीट के ले गई और गाड़ी को भगा ले गई। किसी ने उसका नंबर नोट लिए कर लिया, फिर पुलिस ने उसको कैच कर लिया और 70-80,000 यूरो की उसके ऊपर पेनल्टी लग गई। तो ये थी डिलीवरी की जॉब। तो इसमें पैसा भी है, रिस्क भी है लाइफ की थोड़ी, आपको बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा। ओके, आप तो केयरफुल चलाते हैं लेकिन दूसरे पे हमें तो भरोसा नहीं है ना, वो कैसे चला रहा है। बहुत सारे ड्रंक लोग भी यहाँ पे गाड़ियाँ चला लेते हैं। तो अभी जो लास्ट है नंबर 8 वो है कंटेनर एम्प्टी करने की या लोडिंग अनलोडिंग कंटेनर की। तो उसमें क्या है, लोडिंग अनलोडिंग में कुछ भी हो सकता है, आसान से आसान जॉब भी हो सकती है कंटेनर से लोड अनलोड करना है। तो वो क्या है, आपको जॉब जो है ना बेसिकली लर्नाका में इसकी जॉब्स बहुत हैं क्योंकि वहाँ पे शिपिंग बहुत ज़्यादा है, कंटेनर्स आते जाते रहते हैं वहाँ पे। तो कंटेनर की जो लोडिंग अनलोडिंग की जॉब है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स जो उनके आए होते हैं उसमें लोहा भी हो सकता है, उसमें कार्टून के डब्बे भी हो सकते हैं, टॉयज भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और उसकी जो इनकम है 40-50 यूरो है और उसकी जो सैलरी है वो आपको हर रोज़ के रोज़ मिलती है 50 यूरो हो या 40 यूरो, ये आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन पे होता है कि आपने उसके साथ कितने में डील की है। तो कंटेनर अनलोडिंग की जो जॉब है, लोडिंग की भी होती है, आपको कहीं कहीं लोडिंग भी करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और आप कंपनीज़ के अंडर काम करते हो, के उसके हिसाब से जो आपकी इनकम है 40 से 50 यूरो पर डे होती है और हर रोज़ आपको उसकी जो है ना सैलरी मिलती है। वो इजी काम भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन फ्लायर्स जॉब्स हो गया, कंस्ट्रक्शन की हो गई, वेल्डिंग की हो गई, इन सब से इजी है क्योंकि इसमें आपको धूप पे चलना नहीं पड़ता, आपको वज़न नहीं उठाना पड़ता, आपको वज़न सॉरी उठाते हो आप, कंस्ट्रक्शन जितना हार्ड काम नहीं करना पड़ता, आपकी बॉडी नहीं जलती इस चीज़ से जैसे वेल्डिंग के काम में। सो कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग का काम बेहतर है, उसमें इनकम भी आपकी ज़्यादा है, 40-50 यूरो है। तो ये जो वीडियो थी मैंने बनाई, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, आप जहाँ भी काम करें कोशिश करें कि वो ओनर आपकी इंश्योरेंस ज़रूर पे करें, इंश्योरेंस का बड़ा फ़ायदा है PR लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, पीस।